हेलो दोस्तों, आज हम एक थोड़ी सी सीरियस चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जिस दिन किशोर दा की डेथ हुई, 13th अक्टूबर 1987, 13th अक्टूबर को ही अशोक कुमार, जो कि किशोर दा के बड़े भाई हैं, ऑलमोस्ट 18 साल बड़े थे किशोर दा से, उनका जन्मदिन उसी दिन को पड़ता था। तो दोस्तों, कहा जाता है कि अशोक कुमार जो थे सबसे बड़े भाई थे एक तो इन पूरे परिवार में। ही वॉज एन एस्टेब्लिश्ड एक्टर, हम सबको पता है, बल्कि किशोर दा को वही लेके आए थे फिल्म इंडस्ट्री में। उन्होंने ही उनको नर्चर किया, उन्होंने ही उनको सपोर्ट किया, और उन्हीं के बदौलत किशोर दा बॉम्बे आए और हमें कितना अच्छा एक प्लेबैक सिंगर मिला, एक्टर मिला, डायरेक्टर मिला, सब कुछ। तो किशोर दा को जो लेके आने वाले थे वो इनके ब्रदर अशोक कुमार, जो कि काफी एस्टेब्लिश्ड एक्टर थे उन दिनों, काफी मतलब इनका मान सम्मान होता था। तो दोस्तों, कहानी है ये 1987 की, 13 अक्टूबर की। इससे मैं एक साल पहले जाता हूं, तो 1986 में किशोर दा को एक फिर से एक बहुत जबरदस्त हार्ट अटैक हुआ था, और किशोर दा मरते मरते बचे थे। उसके बाद उन्होंने अपने गाने भी काफी कम कर दिए थे डॉक्टर के एडवाइस पे। और वहां अशोक कुमार जो हैं, जो कि इनके किशोर दा के एल्डर ब्रदर हैं, उनकी वाइफ जिनका नाम था शोभा, शोभा जी, उनकी भी डेथ हुई थी 1986 में। तो एक तरफ किशोर दा का हार्ट अटैक और एक तरफ इनकी, अशोक जी की वाइफ, उनकी डेथ। तो ये सारा जो फैमिली थी वो काफी एक मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। और फिर जब 1987 आया, 13 अक्टूबर, तो किशोर दा ने सोचा कि आज, क्योंकि उनका बड़े भाई का जन्मदिन है, तो आज ऐसा करते हैं, आज थोड़ा फैमिली सेलिब्रेशन करते हैं। तो किशोर दा ने, दोस्तों मैं इस, जिससे पहले कि आगे बढ़ूं, मेरी एक वीडियो है 1987 अक्टूबर 13th 1987 यूट्यूब में, इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। दोस्तों ये काफी मेरी वीडियो वायरल हुई है, जिसमें कि मैंने कंप्लीट डिटेल बताई है कि किशोर दा स्टार्टिंग से लेके उनका लास्ट डे तक क्या हुआ था, कैसे 13 अक्टूबर को क्या क्या चीजें हुई थी जिसमें कि किशोर दा की डेथ हुई थी, वो पूरा का पूरा दिन मैंने कवर किया है, राइट फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड। और उससे पहले का भी मैंने, काफी अच्छी वीडियो है तो मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखी है, हो सके तो आप ये वीडियो भी देखिएगा। तो क्या दोस्तों, अब इस पे आते हैं। तो किशोर दा ने अशोक जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने का मन बनाया, और उन्होंने अशोक जी को बोला कि दादा ऐसा है, आज हम आपका जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम एक तरह से फैमिली गेट टुगेदर हो जाएगी, तो आप आज का जो डिनर है हमारे घर में आके खाइएगा। तो अशोक जी को जैसे ही ये पता चला, अशोक जी ने कहा अरे रहने दो यार, कहते नहीं। किशोर दा ने कहा कि आज आप आइए और हम इकट्ठे आज सेलिब्रेट करेंगे, आज आज मैं आपको एक स्पेशल गिफ्ट दूंगा। और अशोक जी ने बोला भाई क्या स्पेशल गिफ्ट है? तो किशोर दा ने कहा ऐसा है दादा, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, मगर ऐसी गिफ्ट आपको दूंगा जो कि कभी भी किसी भाई ने अपने भाई को नहीं दी। तो चलो, अशोक जी मान गए और उन्होंने कहा चलो मैं आऊंगा आज शाम को। और 5:30 बजे के करीब डिनर था, फैमिली डिनर, और किशोर दा काफी एक्साइटेड थे। और फिर 4:30 बजे के करीब किशोर दा की तबीयत बिगड़ी, उनको हार्ट अटैक हुआ, और विद इन 10-15-20 मिनट्स किशोर दा की डेथ हो गई दोस्तों। और जैसे ही डेथ हुई दोस्तों, सबको बताया गया, अशोक जी जो हैं वो बॉम्बे में शूटिंग कर रहे थे कहीं, और जैसे ही उनको पता चला कि किशोर दा की डेथ हो गई है, वो टूट पड़े। वो जल्दी से घर में आए और जब उन्होंने देखा अपने छोटे भाई को, तो बहुत जोर जोर से रोने लगे। और रोते हुए अशोक जी ने यही कहा कि क्या ये गिफ्ट किशोर, क्या ये गिफ्ट मुझे देने वाला था आज के दिन? इसके बारे में तू कह रहा था कि भाई मैं आपको एक ऐसी गिफ्ट दूंगा कि कभी किसी भाई ने नहीं दी किसी को। तो ऐसे सरकास्टिक वे में अशोक कुमार जी ने अपने भाई किशोर दा को बोला उस समय। तो दोस्तों, ये जो गिफ्ट जो किशोर दा ने अपने भाई को दी, शायद वो चाहते नहीं थे, मगर हो गया, ऐसा विधि का विधान था। तो मैंने सोचा आज आपको बताता हूँ, ये इंसिडेंट्स हुआ था
और अशोक कुमार जी को बहुत बहुत बड़ा धक्का लगा। उसके बाद से उन्होंने अपना जन्मदिन 13 अक्टूबर को जो था वो सेलिब्रेट करना बंद कर दिया था। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ मैं आपके साथ स्टोरीज निजी लाइफ की, किशोरता की और फैमिली की शेयर करता रहूँगा। मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय किशोर।